So what is parallel axis theorem? What it says? Let's take a rigid body of any irregular shape, whatever be the shape. Let's consider center of mass B over here, and thus the centroidal axis will pass through this given point, and this is the centroidal axis. And let us consider the moment of inertia across this centroidal axis to be IC. Let's consider some other point. We have to calculate the moment of inertia of the axis passing through so point O dash. Let's consider its moment of inertia should be I. The distance between point O dash and O is given to be d, and the mass of this rigid body is taken to be m. इसके बाद वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके बाद है पैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, वो तो हो चुका है, आगे बढ़िए। ये सर थर्ड पेज में कैसे चला गया ये? सर वो ना बीच में आपने ब्लैंक कहीं से ये वो उठाया था, ये फिगर वगैरह कुछ। अच्छा हाँ, फिगर उठाया था है ना, तो ये सर इसको मुझे ट्रांसफर करके नीचे ले जाना होगा। इसके बाद वाला नहीं, इसके बाद वाला कौन सा? वेट, फोर्थ पेज आ गया है ना ये। सो वी कैन से सर आप पता क्या करना, ये वाला जो है पहले आएगा ना? हाँ, ये दोनों पहले आ जाएगा, ऊपर चला अच्छा। जाएगा। वो तो मैं यहाँ से किया जा सकता है, उसको नीचे लाया जा सकता है। सर
वो ना ओपन करने के ऊपर होगा आपका, मतलब जैसे आपने ये किया है ना, इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट चाहिए ना तो ये वाला आप करोगे, फिर अगर आपको इसके आगे कंटिन्यू समझाना है ना तो नया पेज ले लेना इसके बाद, यहाँ से मत उठाना फिर, ठीक है मैम, इसको लाओगे ना तो रिकॉर्डिंग में ये दोनों भी आ जाएंगे फिर, ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है? अब कौन सा चाहिए वाला? वी कैन से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दैट गिवन एक्सिस आई विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और यू कैन से द सेंट्रोइडियल एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। दस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड एलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टैंजेंट एंड पैरेलल टू द सेंट्रोइडियल एक्सिस, वी कैन इजिली से सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस इज एल बाई टू, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पैरल एक्सिस थ्योरम आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइडियल एक्सिस, इट केम आउट टू बी इक्वल टू 1/12 एम एल स्क्वायर, and the distance between the axis is L by 2, so it will be L by 2 whole square. Solving it, we will get the moment of inertia to be equal to 1/3 ml square. इसमें एक चीज़ करना मैम, एक मिनट रुक जाओ, इन दोनों को ऊपर पहुंचाना होगा ना, सर वो आ जाएगा अपने आप ही। अपने आप ऊपर आ हाँ जाएगा, मैं अभी रिकॉर्डिंग में दिखा देती हूँ आपको। ठीक है।